बिहार के शिक्षा विभाग के ACS के पाठक के नए फरमान ने हेडमास्टर और शिक्षकों को एक और टास्क दे दिया है, जिसके अनुसार अब टीचर्स को स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ एक और काम करना होगा। टीचर्स को स्कूल के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा मिशन दक्ष के तहत स्पेशल क्लास भी लेनी होगी और सुबह 10 बजे बच्चों को मिड डे मील खिलाना होगा। वहीं स्पेशल क्लासेस उन बच्चों के लिए चलाई जाती है जो पढ़ने में कमज़ोर हो और वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हों या फिर एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए हों। उन बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं जो 15 अप्रैल से 15 मई तक चल रही है। इन कक्षाओं में बच्चों के लिए मिड डे मील भी शामिल है। इसके अलावा सुबह 11 बजे से हर स्कूल संसाधन केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी, जिसमें सभी प्रधान अध्यापकों और प्रभारी प्रधान अध्यापकों को हिस्सा लेना होगा। अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। अगर कोई इसमें हिस्सा नहीं लेता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले एक आदेश में मुजफ्फरपुर में बिना सूचना के छुट्टी पर जाने वाले BPSC से नियुक्त जिले के 22 शिक्षकों को इंक्रीमेंट कटा है। EO ने यह कार्रवाई की। बीमारी और अन्य कारणों से बिना सूचना के स्कूल से गायब रहने वाले टीचर्स पर ये कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि अगर छुट्टी चाहिए तो पहले आवेदन देना होगा। इन शिक्षकों के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए DTO ने DPO स्थापना का निर्देश किया है। DEO ने कहा कि ये सभी शिक्षक स्कूल से सीधे 15 से 20 दिनों के लिए चले गए थे और अब आकर बता रहे हैं इलाज कराने गए थे, जिस वजह से इन पर एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट न्यूज़ PR लाइव पटना।